लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा देते ही उत्तर प्रदेश सहित हर राज्य के बड़े नेताओं के इस्तीफे होने लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। जबकि इस बीच जो नाम नहीं सुनाई दिए उनमें सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला नाम पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मामलों की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर का है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के असफल होने की एक जिम्मेदारी भी उनकी भी बनती है, खास तौर पर जब राहुल गांधी भी अपने गढ़ में चुनाव हार गए हों, तब सबकी निगाहें इस पर हैं कि प्रियंका इस्तीफा देंगी या फिर नहीं। ज्योतिरादित्य का इस्तीफा होने के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रियंका के द्वारा इस्तीफा न दिए जाने की वजहों से बाजार गर्म है और प्रदेश कांग्रेस के एक महासचिव के मुताबिक जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है, लिहाजा उन्हें भी नैतिक आधार पर इस्तीफा देना ही चाहिए। जबकि पार्टी में एक बड़ा तबका ऐसा है जो ये मानता है कि भले चुनाव प्रचार उन्होंने किया हो लेकिन उनकी असल जिम्मेदारी 2022 की है। ये बात कई बार राहुल गांधी खुद दोहरा चुके हैं। प्रियंका ने भी अपनी बैठकों में इसके बारे में साफ किया था कि हम 2019 मजबूती से लड़ेंगे लेकिन हमारा बड़ा फोकस 2022 का विधानसभा चुनाव है। ऐसी सूरत में उनके इस्तीफे की गुंजाइश कम ही बचती है। लोग मानते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रभारी की तैनाती नहीं होगी और सारा काम प्रियंका गांधी खुद देखेंगी। पार्टी का एक बड़ा वर्ग प्रियंका गांधी को 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने की मांग भी कर रहा है। ऐसे में उनका इस्तीफा न होने की वजह ये भी माना जा रहा है कि लोग मान रहे हैं कि प्रियंका विधानसभा चुनाव की अगुवाई खुद करें। वहीं राज बब्बर के इस्तीफा न देने की वजह संगठन के पदाधिकारी बताते हैं कि उनका इस्तीफा पहले ही हो चुका है, उनका कोई री अपॉइंटमेंट भी नहीं किया गया है, नया अध्यक्ष आने तक वो केवल काम देख रहे हैं। ऐसे में उनके दोबारा इस्तीफा देने की वजह नहीं दिखती है। पार्टी के भीतर इस बात की भी चर्चा है कि सिंधिया के इस्तीफे की वजह महज जिम्मेदारी लेनी नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान मिलने के बावजूद ज्योतिरादित्य को वो फुटेज नहीं मिली जो प्रियंका को मिली। उसके अलावा मध्य प्रदेश में त्रिकोणीय लड़ाई चल ही रही है। ऐसे में सिंधिया ने वापस मध्य प्रदेश जाने के लिए इस्तीफा दिया है। द डेली न्यूज रूम से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।